पार्किक सर बालाजी एस एम कोचिंग सेंटर पार्किक सर बालाजी एस एम कोचिंग सेंटर एक काम करना होगा, सबसे पहले आप लोग वन बनाना की पोस्ट ऊंचाई से वन बनाना की पोस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। वन बनाना इक्वल टू 20 अपॉन 12 रूपीज। ठीक है, अच्छा इसका मतलब होता है सभी बच्चे, वन बनाना इक्वल टू 20 अपॉन 12 रूपीज। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट निकल रही है, वन बनाना की कॉस्ट जो होगी वो 20 अपॉन 12 रूपीज होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे 25 बनाना खरीदना है, 25 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ से वन बनाना की कॉस्ट 20 अपॉन में 12 रुपीज है, 25 बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? एनीवन टेल मी द आंसर। कुछ नहीं करना, जब 1 बनाने की कॉस्ट निकल चुकी है तो एक काम करो, 25 को मल्टीप्लाई कर दो 20 अपॉन में 12 से। देखो 25 बनाना कॉस्ट इक्वल टू 20 अपॉइंट है मल्टीप्लाई 25 भी पूछी थी ना क्वेश्चन में, 25 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, क्या ये कट गया? किस से कट रहा है? नहीं कट रहा है, कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक है, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा? कल को आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, रफ करते हो, 25 को मल्टीप्लाई करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 का 25 10 टू 5 टू जा 10, 10 और 2 12। ठीक है, 125 डिवाइड में क्या है 3 है, तो 125 अपॉन में 3। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये काम करो इसको डिवाइड करो, टेल द आंसर, गिव मी आंसर, व्हाट इज आंसर? देखो मैं नंबर पे कर दो 125 को 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 4 जा 12, बैठ गया 5 की बात की 5 नीचे आ गया। ठीक है, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। अच्छा कितना देना पड़ेगा हमें? 41 पॉइंट समथिंग। अच्छा पॉइंट की बात करते हैं तो हम पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 से कम लो, कितनी बार जाएगा? 4, 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 20, 3 5 से कितना होता है 15, और 3 6 जा 18, और 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 6 जा बार में लेंगे, 3 6 जा 18, 41.6 आएगा approximately आंसर। सो 25 बनाना की जो कॉस्ट होगी उसका आंसर होगा 41.6। ओके 41.6 दिस इज द आंसर। क्या समझ में आ गया? यदि किसी को समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ लो।